गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दोस्त, 11.5 साल पहले इसी बिजनेस को आप ही लोगों की तरह मैंने देखा था। सच बताऊं ईमानदारी से, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। 10,000 रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस में आया था कि भैया 10-15 हजार रुपए, क्योंकि उस समय छठा वेतन लागू नहीं हुआ था और एक गवर्नमेंट टीचर की जो मैक्सिमम सैलरी होती थी वो 35,000 होती थी एक प्रोफेसर की। पापा जी गरीब थे, बहुत ज्यादा पैसा वो दे नहीं पाते थे। सिर्फ और सिर्फ कैसे करके मैं एमएड कर लूं और जो है एमए वगैरह करके और ग्रेजुएशन लाइन में चला जाऊं, एक टीचिंग लाइन में चला जाऊं और वो पैसा मेरे पास आए कुछ जुगाड़बाजी में करूं, इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया गया था। लेकिन मुझे सच बताता हूं, ये नहीं पता था कि भैया मैं जिस बिजनेस को भर रहा हूं या जिस फॉर्म को मैं साइन अप कर रहा हूं वो साला इतना बड़ा बिजनेस है कि भैया सेकंड हैंड साइकिल की बात छोड़ के साला 1 करोड़ रुपए का X5 तक पहुंचा देगा। दोस्तों ऐसा नहीं सोचा था मैंने। सबसे बड़ा जो मैं श्रेय देता हूं वो देता हूं संगत का। दोस्तों ग्रेजुएशन तक 18.5 साल का समय मैंने बिताया। एक एटीट्यूड जो डेवलप हुआ वो मेरे माहौल से हुआ, मेरे परिवार के सदस्यों से हुआ, मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस से हुआ और उन सारे लोगों से हुआ जिन्होंने बचपन से लेके 10,000 रुपए तक की सोच दी। पिताजी एक ही बात बोलते थे कि बेटा अच्छी पढ़ाई करेगा ना तो 10-12 हजार रुपए की तेरे को नौकरी लगेगा। और सच बताता हूं ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगातार कंटिन्यू 10,000 रुपए से ऊपर की दोस्त सोच बनी नहीं। फिर उसके बाद कुछ अच्छा कर्म किया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है और वो सोमवार को मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बात करूं दोस्तों, अच्छा स्टूडेंट था, 3-3 लिटरेचर के साथ ग्रेजुएशन कर रहा था। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने 7-7, 8-8 साल निकालते हुए देखा था, लेकिन 1 रुपया नहीं कमाया उन्होंने। 10-20 हजार रुपए यदि कोई साल का कमा रहा है तो उसको कोई कमाना नहीं मानते। तो मेरा एटीट्यूड भी उन्हीं तरह से डेवलप हुआ था कि भैया नेटवर्किंग में वो आदमी जाए जिसके पास ना कोई काम है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, फालतू पड़ा है घर में, रोटी पाड़ रहा आराम से, तो जाए और नेटवर्किंग ज्वाइन कर ले। मेरा एटीट्यूड ये था 2005 तक। सोमवार का दिन फर्स्ट किया हुआ था, दोनों भाई थे मैं और पवन जी, 100 रुपए के हम लोग केले लेके आए थे और उसी दिन श्री हरिशंकर जी और टिकेंद्र साहब दोनों आ जाते हैं और उस दिन वो बोलते हैं, उस दिन से लेके और आज 17 सितंबर 2005 इस बिजनेस में दोस्तों मैं मेरी एंट्री हुआ था और आज 18 अगस्त पूरे मेरे को 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे अभी अगले महीने में। मेरे दोस्त जो डिफरेंस पाया है मैंने 11 साल में, वो डिफरेंस पाया मैंने टोटल सोच का, वो डिफरेंस पाया मैंने संगत का। एक आदमी 18 साल तक लगातार नौकरी करने वाले लोगों की संगत में रहता है, गरीब लोगों की संगत में रहता है, एक ऐसे समाज की संगत में रहता है जहां पे अच्छी पढ़ाई लिखाई लेने के बाद एक अच्छा नौकर बनने की सोच दी गई। लेकिन दोस्त जब इस सिस्टम में मैं आया और बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो एक एक आदमी 1-1 करोड़ रुपए की बात करता था, 1-1 आदमी 8-8 लाख रुपए महीने की बात करता था, शुरुआत में दोस्त भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब संगत में आप आते हो और लगातार अपनी आंखों से जब देखना शुरू करते हो तो दोस्त बदलाव आना शुरू होता है। मेरी जिंदगी में बदलाव आया। ग्रेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन को देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 18 साल जो मैंने पढ़ाई करी थी ग्रेजुएशन 3-3 लिटरेचर के साथ, असली जीवन जीने का अंदाज जो बताया वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने बताया। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जब मेरी मुलाकात होती है श्री देवेंद्र शर्मा जी से, मेरे ग्रेट गुरु हैं, मेरे ग्रेट आदर्श हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए देवेंद्र शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, थैंक यू सो मच। उस आदमी से मेरी मुलाकात होने के बाद मुझे मन किया कि यस बिजनेस करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक से बढ़ के एक अलग अलग दिग्गजों से मेरी मुलाकात होना शुरू हुआ। श्री टिकंदर जी से मेरी मुलाकात हुआ, श्री हरिशंकर जी से मेरी मुलाकात हुआ, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुनहरी लाल जी से मेरी मुलाकात हुआ, उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। सीखने के बाद फिर मेरी मुलाकात होती है हमारे बहुत ही गजब के लीडर, हमारे प्रेरणा के स्रोत, जिनकी सोच को मैं सलूट करता हूं, जिनकी सोच को मैं नमन करता हूं। दोस्त जब जब मैं उनसे मिलता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जब मैं उनसे मिलता हूं मेरा मन करता है कि योगेश यादव
जब तक सांस है, जब तक एक एक सांस तेरे साथ जिंदा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक एक आदमी के जीवन को बनाना है, एक एक इंसान की जिंदगी में उतर के उसके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। और ऐसे और कोई नहीं दोस्त, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। मैं चाहूंगा ऊपर से नीचे तक जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, जोरदार तालियां, खड़े होके जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ना ईमानदारी में कमी होती नौकरी में, ना पैशन में कमी होती, ना टाइम में कमी होती। बराबर टाइम देता है भाई साहब, 8 से 10 घंटा आदमी बराबर ईमानदारी से मेहनत करता है आदमी, यस और नो? ट्रेडिशनल मार्केट में बराबर समय देता है 8 से 10 घंटा, यस और नो? फिर फर्क क्या है? फर्क लाइन का है, कौन सी लाइन में खड़ा है। आज ये तय कर कि अगले 20 साल के बाद आपकी जिस लाइन में आप खड़े होकर काम कर रहे हो, जिस लाइन से आप पैसा कमा रहे हो, उस लाइन के ऊपर अंत क्या होने वाला है। ये बात योगेश यादव को पता चल गई थी कि एक टीचर पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा नहीं सकता, और एक वो जो लाइन थी टीचिंग लाइन की, वो टीचिंग लाइन की लाइन पूरे जीवन में 1 करोड़ देती। लेकिन मेहनत बराबर होती कि नहीं होती, पसीना बराबर बहाया जाता कि नहीं जाता, फिर लाइन चेंज किया। ये 10,000 की लाइन इसको छोड़ा, 1 करोड़ वाली लाइन पे पड़ा, बराबर मेहनत हुआ। इधर मेरा एक दोस्त है टीचर, बराबर मेहनत हुआ। 5 साल बाद उसने बराबर मेहनत करके रुपए कमाए भाई साहब 8.5 लाख। यहां 5 साल मेहनत करने के बाद महीने का आया 8.5 लाख। उसने पूरा कमाया 6 साल में 8.5 लाख। उसके बाद उस लाइन के ऊपर अगले महीने फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000। जैसे जैसे शरीर में दम घटता जाएगा ना, वैसे वैसे लेकिन जब आपके पास भाई साहब माल आए, दबा के माल आए, तो साला बताओ पूरे विटामिन प्रोटीन बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताओ मुझे। तो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? लाइन बदलना है, और लाइन बदलने के लिए इस ससुरे खोपड़े को खोलना पड़ता है, क्योंकि ये लोक है लोक। 18 साल से पिताजी ने बोला चुप नौकरी कर साले, चुप। फिर बीवी ने बोला ए लंगूर चुप साला, तेरे से शादी इसलिए किया था कि दो बने ही हो तू, चुप बैठा है बेचारा। कुछ किसी के बच्चे ज्वाइन करके बच्चे बोलते हैं पिताजी पिताजी व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉनसेंस, क्या ज्वाइन कर लिया आपने, चुप। ठीक है बेटा, मैं तो आपको कह रहा था कुछ कर लेता तो अच्छा है। खोपड़ा बंद है। एक बात और समझ में आया, इस जिंदगी में जीते जीते तूने अपना खोपड़ा खोल के माल नहीं कमाया, तो मरने के बाद राम नाम सत्य है, तेरे को लकड़ियों में लेके जाएंगे, फिर साला एक आदमी एक लकड़ा लेगा और फिर तेरा खोपड़ा खोलेगा। बात आए समझ में कि नहीं आया? यस 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 यस, जिंदा रहते रहते अपना खोपड़ा खोलिए, वरना मरने के बाद मां कसम तुम्हारे कोई ना कोई सगे खोपड़ा खोल लेंगे। बात आ समझ में कि नहीं आया? इंसान क्या करता है जवाब दो, नाना धोना हगना मूतना सेक्स करना रोटी खाना कोई भी करता है। मैं सवाल करता हूं हर बैठे हुए आदमी से, इंसान होने के नाते ये बुद्धि जब दिया है भगवान ने, तो इस बुद्धि के भरोसे भाई साहब हम क्या अलग कर रहे हैं। खुशकिस्मत हो आप एक एक आदमी जिनको यह अपॉर्चुनिटी आज मिला, बदनसीब है आज भी वो लोग। बात सुनो ध्यान से, खुशकिस्मत हो आप सारे लोग जिनको आज ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, बदनसीब हैं वो लोग जिनको अगले 10 साल तक इस अपॉर्चुनिटी को बेचारों कोई बताएगा ही नहीं। अभी आप उनके जीवन की कल्पना करिए, यह बिजनेस दुनिया में बता रहा हूं, दुनिया में कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी की आप बात करते हो, दम दोस्त कंपनी में नहीं होता, दम साला आदमी में होता है। यदि आपके अंदर दम है, आपके अंदर अपने आप पर भरोसा है, तो यह सिस्टम, ये सेफ सॉप कंपनी और ये योगेश यादव आपको आह्वान करता है, आइए, मोस्ट वेलकम है।
पाएं फैला के मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाले 2 से 3 साल में यदि आपको अपने बाजुओं पे दम है, पैरों में अपना दम है और जिगरे के ऊपर दम है तो भाई साहब स्वागत करता हूं। साला 3 साल के अंदर पिछले 30 साल का अगले 3 खानदान का साला इतिहास बदलने का मौका है मेरे दोस्त। आ जाइए, स्वागत करता हूँ दोस्तों, माता स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम आपका बड़ा। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।